हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट मेडिकोज। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है टेट्रासाइक्लिन्स के। टेट्रासाइक्लिन्स हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम भी होते हैं, मॉडरेट स्पेक्ट्रम भी होते हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी होते हैं। टेट्रासाइक्लिन्स जो है हमारे पास ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। टेट्रासाइक्लिन को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। टेट्रासाइक्लिन्स हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग भी होती हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग भी होती हैं, लॉन्ग एक्टिंग भी होती हैं। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास आ जाते हैं क्लोर टेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग में हमारे पास आ जाती हैं मेथासाइक्लिन, लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास आ जाती हैं डॉक्सीसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन। शॉर्ट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन होती हैं, इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो 4 आवर्स होता है। इंटरमीडिएट का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 8 आवर्स होता है और जो लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन्स हैं इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 12 से 24 आवर्स तक होता है। अगर हम टेट्रासाइक्लिन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे पास ये 30 एस रेबोसोमल यूनिट के साथ जाके बाइंड करती है। टेट्रासाइक्लिन्स बाइंड टू ए साइट ऑफ 30 एस रेबोसोमल यूनिट सब यूनिट। जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम की 3 साइट्स होती हैं, ए साइट होती है, पी साइट होती है और ई साइट होती है। जो ए साइट होती है उसके साथ जाके टेट्रासाइक्लिन बाइंड करता है। इट प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए टू ए साइट। जो ए साइट होती है उसके साथ ट्रांसफर आरएनए चार्ज्ड अमीनो एसिड को लेके आ रहा होता है, तो ए साइट के साथ ट्रांसफर आरएनए बाइंड नहीं हो सकता। जब ट्रांसफर आरएनए बाइंड नहीं होता तो हमारे पास प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती तो बैक्टीरिया की प्रोलीफ्रेशन नहीं होती, इस तरह हम डिजीज से को काबू कर लेते हैं। इट बाइंड टू ए साइट ऑफ 30 एस रेबोसोमल सब यूनिट, प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए टू ए साइट, इट इनहिबिट्स द बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस, बैक्टीरियोस्टैटिक है। आपने इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में 2 बातें याद रखनी है, एक तो ये 30 एस रेबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करती है, दूसरा ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। अगर हम टेट्रासाइक्लिन्स के स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमारे पास ये ग्राम पॉजिटिव के लिए भी यूज़ होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए भी देते हैं और एटिपिकल बैक्टीरिया के लिए भी देते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमारे पास आ जाता है बेसिलस एंथ्रेसिस और ग्राम नेगेटिव में विब्रियो कोलरा और एटिपिकल में हमारे पास माइकोप्लाज्मा, क्लेमेडिया, रिकेट्सिया, स्पेरोकीट्स या स्पेरोकीट्स, जो भी आप प्रोनाउंस करें। इसका जो निमोनिक है वो मैंने बनाया था MSCRBV, आप निमोनिक से भी याद रख सकते हैं। एम से माइकोप्लाज्मा, एस से स्पेरोकीट या स्पेरोकीट और सी से क्लेमेडिया, आर से रिकेट्सिया, बी से बेसिलस एंथ्रेसिस और वी से विब्रियो कॉलरा। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास ये जो बैक्टीरिया हैं ये 4 डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू रेजिस्टेंस शो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इम्पेयर्ड इन्फ्लक्स, लाइक बैक्टीरिया के अंदर ड्रग एंटर ही नहीं हो रही, इंक्रीज्ड इन्फ्लक्स। बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ड्रग आ तो रही है लेकिन वो जल्दी जल्दी उसको बाहर निकाले जा रहे हैं। राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन्स, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसे रेड से हाईलाइट किया हुआ है, लिखा हुआ है। और राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन्स बैक्टीरिया जो होते हैं ये एक प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं जो राइबोसोमल 30 एस रेबोसोम सब यूनिट को कवर कर लेती है। तो टेट्रासाइक्लिन्स 30 एस रेबोसोमल यूनिट के साथ बाइंड नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट नहीं हो सकती। इंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग्स, ये जो बैक्टीरिया हैं ये इंजाइम सिंथेसिस करते हैं और जो उनके इंजाइम होते हैं वो ड्रग को इनएक्टिव कर देते हैं। अगर हम क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो हमारे पास ये जो कैडजंग है, कैडजंग के अंदर क्लिनिकल यूजेस इस तरह लिखे हुए हैं कि प्राइमरी यूज, सेकेंडरी यूज और सिलेक्टिव यूज। अगर हम लिपिनकॉट की बात करें तो लिपिनकॉट में उसने बड़े अच्छे से लिखा हुआ है कि उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा है, बैक्टीरिया का नाम लिखा है और उसके साथ उसकी डिजीज लिखी है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जो बैक्टीरिया है, ये फलां डिजीज काज कर सकता है और इस डिजीज के लिए हम ये ड्रग देते हैं। इस तरह माइकोप्लाज्मा नमूनिया जो है ये हमारे पास कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया काज करता है, तो हम टेट्रासाइक्लिन्स कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के लिए दे सकते हैं। इस तरह स्पेरोकीट्स और स्पेरोकीट्स, जिस तरह आपको ईजी लगे, जिस तरह प्रोनाउंस आप करें। इसमें हमारे पास 2 आ जाते हैं, एक होता है बोरेलिया और दूसरा होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम। बोरेलिया काज करता है लाइम डिजीज, ट्रिपोनिमा पैलिडम काज करता है सिफिलिस, तो हम इन लाइम डिजीज और सिफिलिस के लिए भी टेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हैं। क्लेमेडियल इन्फेक्शंस, ट्रिकोमा काज करता है तो ट्रिकोमा के लिए भी दे सकते हैं हम।
रिकेटसेल इन्फेक्शन, जिसमें हमारे पास रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर आ जाता है। तो इस डिजीज़ के लिए भी हम टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं। विब्रियो कॉलरा जो है ये कॉलरा कॉज करता है, कॉलरा के लिए भी हम दे सकते हैं टेट्रासाइक्लिन। इस तरह हमारे पास टेट्रासाइक्लिन में लॉन्ग एक्टिंग है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन मोस्ट कॉमनली यूज टेट्रासाइक्लिन है, जो हर फार्मेसी पे, हर क्लिनिक पे और हर डॉक्टर यूज़ करता है। ये ड्रग मैं भी यूज़ करता रहा हूँ। मुझे एक्नी का प्रॉब्लम था तो एक्नी के लिए डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करते हैं। इसके जो यूज़ हैं वो 5-6 यूज़ हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ हैं। ये प्रॉफ में इसका SEQ भी आ जाता है कि डॉक्सीसाइक्लिन के यूज़ बताएं। तो हमने डॉक्सीसाइक्लिन के ये जो हमने ऊपर क्लिनिकल यूज़ की बात की है, ये हमने नहीं बताने हैं, इसके स्पेसिफिक हैं, तो हमने ये स्पेसिफिक बताने हैं। ये हम लाइम डिजीज़ के लिए देते हैं और ये ड्रग ऑफ चॉइस है लाइम डिजीज़ के लिए। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है। ये जो दो डिजीज़ हैं इनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सीसाइक्लिन है। और प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मलेरिया के लिए भी देते हैं, हमें BSS के लिए देते हैं और एक्नी के लिए देते हैं। एक्नी के लिए तो मैं खुद यूज़ करता रहा हूँ। सिलेक्टिव यूजेस में हमारे पास दूसरा आ जाता है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन GAT अल्सर्स कॉज्ड बाय H. पेलोरी। एच पेलोरी एक बैक्टीरिया है जो कि गैस्ट्रिक अल्सर्स और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कॉज करता है। उसके लिए हम टेट्रासाइक्लिन जो कि शॉर्ट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन है वो हम देते हैं। और ये एक थेरेपी होती है जो आपने GAT में पढ़नी है, वो होती है ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रपल थेरेपी। उसका ये एक कंपोनेंट होता है टेट्रासाइक्लिन। यूजेज ऑफ माइनोसाइक्लिन। माइनोसाइक्लिन जो है M से मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट, और बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस जो होती है उसके लिए हम देते हैं माइनोसाइक्लिन। और यूजेज ऑफ डिमेक्लोसाइक्लिन। डिमेक्लोसाइक्लिन जो होती है ADH सिक्रीटिंग ट्यूमर्स, ट्यूमर हो जाता है जिसकी वजह से ADH जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो रहा होता है। ADH क्या करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इससे ना आपका जो यूरिन है वो कम रिलीज होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह ADH सीक्रेटिंग ट्यूमर्स के लिए हम डिमेक्लोसाइक्लिन देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है। और यूजेज ऑफ टेट्रासाइक्लिन, ये एच पेलोरी वाला, ये भी एक MCQs है। अगर हम टेट्रासाइक्लिन के एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो हमारे पास ये एक लंबी लिस्ट आ जाती है टेट्रासाइक्लिन के एडवर्स इफेक्ट की। ये आपने रट लेनी है, ये कॉलेज टेस्टों में, सेंडअप्स में, प्रॉफ में लाजमी आता है। तो आपने ये नहीं बोलना टेट्रासाइक्लिन के एडवर्स इफेक्ट्स को। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है GAT डिस्टर्बेंस, जो कि हर बच्चे का फेवरेट है। वो जिस भी चीज़ का पूछें तो उसमें सारे बच्चों ने नाज़े, डायरिया, वोमिटिंग तो लिखा ही होता है। और इसके बाद हमारे पास सुपर इन्फेक्शन में हमारे पास कैंडिडियासिस और सूडोमोनास कोलाइटिस आ जाता है। सुपर इन्फेक्शन बेसिकली होता क्या है, हमने बैक्टीरिया को किल करने के लिए ड्रग दी तो जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उसको, उसकी जाके छेड़खानी कर देते हैं, वो पैथोजेनिक हो जाता है, उसने डिजीज़ काज करना शुरू कर देता है। तो उसमें हमारे पास कैंडिडियासिस और सूडोमोनास कोलाइटिस, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इन द चिल्ड्रन और ग्रोथ इनहिबिशन ऑफ बोन्स इन द चिल्ड्रन, ये दो जो हैं एडवर्स इफेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो एक टीचर एक्सपेक्ट कर रहा होता है बच्चे से कि वो टेट्रासाइक्लिन के एडवर्स इफेक्ट्स में लाजमी बताएगा, जो बच्चा ये दो चीज़ें ना बताए तो उसका वाइवा फेल कर देंगे और उसको अगर क्वेश्चन में आया हुआ है तो वो उसको नंबर नहीं देंगे। तो आपने टेट्रासाइक्लिन के टी से याद रखना है कि इसमें दो टी हैं। टी से मीन टीथ की डिस्कलरेशन काज कर देंगे बच्चों में, और टी से टेटोजन लाइक प्रेगनेंसी में कंट्रा इंडिकेटेड है। इसके बाद हिपेटोटॉक्सिसिटी लिवर सिरोसिस काज करता है, रीनल टॉक्सिसिटी और फेनकोनी सिंड्रोम और दूसरी सिंड्रोम होती हैं लाइक ये रीनल टॉक्सिसिटी काज करता है, और फोटोसेंसिटिविटी दूसरा वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी काज करता है। अगर हम टेट्रासाइक्लिन की कंट्रा इंडिकेशन की बात करें तो हमारे पास आ जाता है प्रेगनेंसी, जो मैंने पहले बताया कि टी से याद रखना है, टेटोजेनिक प्रेगनेंसी में कंट्रा इंडिकेटेड है, और चिल्ड्रन में लेस देन 8 ईयर्स ओल्ड बच्चे जो होते हैं उनमें वो बोन को डिवेलप नहीं होने देता, और दूसरा टीथ की डिस्कलरेशन काज कर देता है। तीसरा है रीनल इम्पेयरमेंट, किसी बंदे को रीनल किडनी स्टोन्स हैं या किडनी का कोई और डिजीज़ है तो उसमें भी नहीं देते। और चौथा है हिपेटिक इंसफिशेंसी, लिवर का कोई मसला है, लिवर सिरोसिस हो गया या CLD क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है तो उसके लिए भी टेट्रासाइक्लिन नहीं देते। ये आपने कंट्राइंडिकेशंस भी याद रखनी है, ये कभी टेस्ट में पूछ लेते हैं।